तुला राशि वालों नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, अगले 24 घंटे में आप सभी के जीवन काल में लेकर आने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा बदलाव। जी हां, तुला राशि वालों, अपने मुंह को बिल्कुल बंद रख के वीडियो देखना, क्योंकि तुला राशि वालों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। आज की यह पूरी वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगले 24 घंटे का संपूर्ण महाराशि फल बताने वाले हैं, जो कि तुला राशि वालों बिल्कुल ही 100% सटीक भविष्यवाणी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुला राशि वालों 9 ग्रहों ने अपनी अपनी चाल बदल रहे हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर निर्मित हुआ है। अगले इन 24 घंटे तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किन बातों का विशेष खास ख्याल रखनी होंगी, समस्त जानकारियां ग्रह गोचर पर आधारित आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इसलिए तुला राशि वालों, दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, हम पूरी दावे के साथ कहते हैं कि आपके समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। और तुला राशि वालों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाली है, जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आपको अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन तुला राशि वालों, उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु महाराज जी के भक्त वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु महाराज जी का जयकारा जरूर लगाइएगा, ताकि तुला राशि वालों, भगवान विष्णु महाराज जी का आशीर्वाद आपके जीवन काल में सदैव बनी रहे और आपके जीवन की गाड़ी ऐसे ही सही रास्ते पर चलती रहे। तो चलिए तुला राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं आपको अपने वो कौन सी गलतियों को सुधार करनी होंगी। देखिए तुला राशि वालों, आपको सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना होगा जो लोग आपके मुंह पर मीठे मीठे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो आपके सामने आकर ऐसे ऐसे चापलूसी बातें करते हैं जिससे आप अपना सारे राज उन्हें बता देते हैं। क्योंकि तुला राशि वालों, दोस्तों, बातों बातों में आकर आप अपनी पर्सनल बातें और गुप्त बातें भी बता देते हैं, जो कि लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। जी हाँ तुला राशि वालों, जो लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो है बातें मानते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। नहीं तो तुला राशि वालों, धीरे धीरे वो लोग आपको बर्बाद कर देंगे। जी हाँ, तो चलिए तुला राशि वालों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज आपका महाराशि फल के बारे में, कि आज आपका महाराशि फल कैसा रहेगा, कौन से लाभ आज आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा या फिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वालों, दिन के आगे बढ़ने के साथ साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों, लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत को ना छोड़ें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप बार बार हारते ही रहिए, लेकिन फिर भी आप महानता के सीढ़ी में आ जाएंगे जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। जी हाँ, आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। जी हाँ दोस्तों, और आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण समय है। जी हाँ दोस्तों, आज का समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कुछ समय के लिए अपने करियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे हैं, अपने रिश्तों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। इसलिए दोस्तों, कुछ समय आपको अपने परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आपने अपने करियर में वो सब कुछ पा लिया है जिनके लिए आप अपने मेहनत की है। जी हाँ, परंतु अब रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है।
ये समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज के दिन आपके निजी जीवन और कामकाज के जिंदगी में कुछ बदलाव आने वाले हैं जिनसे आप असुरक्षित और चिंता महसूस करेंगे, लेकिन दोस्तों इसे अपने ऊपर हावी न होने दें और संतुलन बनाए रखें। कोई आपसे बदला लेने की कोशिश में है, इससे परिस्थिति और भी खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपको सतर्क और सावधान कर रहे हैं। आज कोई आपका विरोधी जो आपका शत्रु है, वो आपको ऊपर जो है अपनी पैनी नगाहें बनाए हुए हैं, बदला लेने की कोशिश में है। इसलिए आज आप थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आप बहुत बड़े खतरों से बच जाएंगे। और दोस्तों, त्वचा संबंधित छोटी मोटी तकलीफें आज आपको परेशान कर सकती है। आज खुद को थोड़ा हल्का करने की योजना बनाएं और तेलीय पदार्थों से आप दूरी बनाकर रखें। बाकी आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको खाने पीने के बारे में जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। जितना हो सके अपने घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। बहुत सारे जो है पेड़ों वाली जगह पर घूमने से बचें, क्योंकि आपको कोई कीड़ा काट सकता है, इससे आपकी त्वचा पर दाने उभर जाएंगे। और आज सावधानी तौर पर एंटी एलर्जिक दवा साथ रखें, आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आज आपके कार्य क्षेत्र में आपके सितारे आपका साथ देंगे, ये आपकी वित्तीय जरूरतों के लिए काफी संतोषजनक है, लेकिन यह कार्यालय में ईर्ष्या को भी जन्म देगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अपने सहयोगियों के साथ पुराने बातों को भूलकर उनके साथ आगे बढ़ना होगा, परंतु आपको दुश्मन और दोस्त की पहचान करने की भी जरूरत है, क्योंकि दोस्तों कोई सहकर्मी आपके कैरियर के विपरीत कार्य कर सकता है, जो कि आपके कैरियर के लिए हानिकारक है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा सा आज सावधान रहना होगा। खासकर जो लोग आपके अपने ही है, वही आपके कार्य में अड़ंगे डालेंगे, विघ्न डालेंगे, इसलिए दोस्तों उनसे थोड़ा नजर बचा के रखना होगा और नजर अपना जो है उन्हीं पर रखना होगा, नहीं तो आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक नई ऊर्जा और नया लक्ष्य दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी बातचीत का स्तर और अविश्वसनीय रूप से बेहतर हो गया है, और आप ऐसे किसी व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जो कि आपकी जिंदगी को वित्तीय या आध्यात्मिक रूप से काफी प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और इससे आपको अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी, और इसको आप अवसर का लाभ उठाकर अपनी वर्तमान समस्याओं को खत्म करने के लिए सोचना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। देखिए दोस्तों, आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। जी हाँ, बहुत सारे मुद्दों पर बात न करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की दिशा और शांति भंग हो सकती है। जी हाँ, यहाँ तक बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज आप चुप रहना ही बेहतर उपाय है। जितना आप हो सके शांति बनाकर रखकर अपने संबंध की सहज शक्ति में विश्वास रखें, और मुश्किल समय भी आपका गुजर जाएगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य और शांति बनाकर रखना होगा। अगर समस्या भी है तो उनका समाधान भी मिलेगा जब आप जो है एकांत में बैठकर सोचेंगे और समस्या का समाधान ढूंढेंगे।